हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर गुप्ता जी, कश्मीरी पंडित समुदाय जो कि पिछले 3 दशकों से न्याय की आस में जो है इंतजार कर रहा है कि उनको न्याय मिले, आखिरकार अब उनके लिए एक आशा की किरण दिख रही है। जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है SIA, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है। जस्टिस नीलकंठ गंजू जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय के एक बहुत बड़े स्तंभ थे और कश्मीर घाटी में वो जज के रूप में कार्य कर रहे थे, सेशन जज थे, और उन्होंने जो JKLF के आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, उनकी फिर बाद में हत्या कर दी JKLF के आतंकवादियों ने। अब जस्टिस नीलकंठ गंजू का जो हत्या का मामला है उसको रिओपन किया जा रहा है, उस पर जांच दोबारा से बैठेगी। तो ये SIA ने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को इस केस के बारे में कुछ और भी जानकारी है वो SIA को संपर्क कर सकता है और SIA को वो जानकारी दे सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इस कदम को कि 3 दशकों बाद पहली बार कुछ न्याय की जो है किरण दिख रही है कश्मीरी पंडित समुदाय को? देखिए, 30 साल पहले 1989 में जो विस्थापन शुरू हुआ उसका मेन कारण ही था कि वहाँ पर दहशत फैलाना। जस्टिस नीलकंठ गंजू, पंडित टिकालाल टपलू जी, प्रेमनाथ भट्ट, इसके अलावा लासा कोल, ये कोशिश की गई कि जो भी कश्मीरी पंडित समुदाय के बड़े लोग हैं उनको ख़त्म करके दहशत क्रिएट की जाए। ये शुरुआत थी, लेकिन विडंबना ये है कि 30 साल में कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा अपने ही देश में लोगों का विस्थापन होना ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। आज SIA द्वारा जो एक जांच के दायरे में द्वारा लिया गया है और लोगों से भी किसी को जानकारी हो तो वो मांगा है, तो अपने आप में एक बड़ा कदम है। जांच के बाद बहुत से ऐसे लोग सामने आने वाले हैं जो एक साजिश के तहत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। आज भी वो लोग अपने घरों से दूर हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को जांच के बाद जो लोगों का नाम सामने आएगा, निश्चय ही एक न्याय उन लोगों को मिलेगा जिनके परिवार के लोग, जिनके समुदाय के लोग चले गए। तो शुरुआत है, लोगों को इनका बिल्कुल साथ देना चाहिए। जिस प्रकार SIA ने जिस प्रकार से कहा है, मुझे लगता है कॉपरेशन से काफ़ी हल निकलेगा और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि कहाँ की साजिश थी। कविंदर जी, जस्टिस नीलकंठ गंजू के परिवार के जो सदस्य हैं वो काफ़ी भावुक हो रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद किया है सरकार का, SIA का, कि आखिरकार कुछ पहल हुई है, लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि ये अंजाम तक ही पहुंचना चाहिए पूरा केस। और जिन लोगों ने जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की, जिसमें यासीन मलिक का भी नाम है, उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। देखिए, कोई एक दायरा रहता है, कोई भी कोर्ट, और कोर्ट में फैसले होते हैं सबूतों को देखते हुए, सब जानते हुए। इसका ये मतलब है कि कोई जज की हत्या कर देगा? ये कौन सा सिलसिला था? ये जंगल राज उस वक्त था, लेकिन ये द्वारा जंगल राज ना बने इसके लिए ज़रूरी है ऐसे केसों में जांच करना। तो एक उम्मीद जो उन परिवारों को है, निश्चय ही उम्मीद करनी चाहिए कि उनको न्याय मिलेगा। कविंदर जी, कश्मीरी पंडित समुदाय के कई लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो उनके नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया है इस कदम का, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है क्योंकि 1500 के करीब हत्याएं हुई हैं, निष्कासन हुआ है, और भी भयंकर वहां पर जो हैं अपराध हुए हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ। तो इस पर एक जाँच आयोग का गठन किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके ज़रिए इस पूरे विषय पर अगर अच्छे से जाँच हो तो समुदाय को न्याय मिलेगा। ठीक है, शुरुआत है, इससे भी अच्छा होगा, लेकिन कौन लोग इसमें संलिप्त थे वो भी पता लगेगा। उनकी मांग भी ठीक है जो कह रहे हैं, जिनके परिवारों के लोग गए होते हैं वो उसका दुख और उसके जाने से जो अफेक्ट होता है परिवार पर उसको जानते हैं। सरकार निश्चय ही इस पर सारी जांच और योग बढ़ाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो कविंदर जी, इससे क्या साबित होता है कि 3 दशक बाद मामले खुल रहे हैं? आपको लगता है समुदाय को न्याय मिल पाएगा? और दूसरी बात, सरकार इसके आगे क्या अब करने वाली? देखिए, पहले सरकारों ने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया, ना किसी ने कोई ऑर्डर किया होगा। उनके लिए तो वही लोग तो थे जिनकी नलायकियों के कारण से विस्थापन हुआ,
तो उनको जांच कराने की क्या ज़रूरत थी। आज भी उस प्रकार की एक फिल्म बनती है जब कश्मीर फाइल्स, तो ये कहते हैं हुआ कुछ नहीं, हालांकि जो फाइल में सेंसर के माध्यम से बहुत कुछ काटा गया है, इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। वो लोग कैसे जांच बिठाते। आज एक ऐसी सरकार जो केंद्र में, जिसके माध्यम से ये एजेंसीज एक सही तरीके से काम कर रही हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा होगा। कविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कश्मीरी पंडित समुदाय को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, जहां तक उनकी न्याय, पुनर्वास सभी विषयों की जो बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे विषयों को जिस पर जांच बिठाई है, ये भी एक ऐसा मामला है, और बड़ा ये वो मामला है जो अपने ही देश में लोग विस्थापित हुए, तो केंद्र सरकार इसके बारे में चिंतित रहती है। पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी हो रही है, समय लगता है लेकिन होगा ज़रूर। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री। और साफ तौर पर इन्हें कहा है कि जो SIA ने पहल की है, इसका ये स्वागत करते हैं। और इनका कहना है कि जो पूरा विषय है, ये भी दर्शाता है कि सरकार जो है बड़ी ही गंभीर है कश्मीरी पंडित समुदाय के विषयों को लेकर। और इन्हें कहा है कि जितनी भी हत्याएँ हुई हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की, उन सबको, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा और सरकार इस पर पूरी तरह से कटिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।